डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पुराना चैप्टर आपको भारत की आकार स्थिति ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाया था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ब्रॉड है, बड़ा है, तो उसको हमें कई पार्टों में बनाना पड़ेगा। तो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर। भारत का आकार और स्थिति, इसके बारे में हम जानेंगे। आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है। ये जो हमारा चैप्टर तो वैसे जियोग्राफी का है, ये नाइन्थ या किसी क्लास का ले लो, वैसे तो अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, बेसिकली ये नाइन्थ क्लास का है। तो हम शुरू कर रहे हैं इसको, जो हमारा पहला पॉइंट होगा भारत एक शक्तिशाली देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ। भारत क्या एक शक्तिशाली देश है जिसका जो क्या हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत का नाम आर्यों के राजा भरत के नाम पर पड़ा, यानी कि जो आर्यों के राजा थे वो उसके जो भरत थे राजा थे उसके नाम पर क्या पड़ा है, भारत पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम आर्य के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आप नोट करिए। हिंद यूनानियों, वैसे तो हिंद यूनानियों ने इसे इंडस की संज्ञा, जिसे इंडिया कहा गया। नेक्स्ट, ईरानियों के द्वारा हिंद नदी, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये आपने पॉइंट नोट कर लिया होगा, हिंद यूनानियों ने इसे इंडस की संज्ञा दी, जिसके क्या बाद में इसमें इंडिया पड़ा। ईरानियों ने इसे क्या हिंद नदी के द्वारा जिसकी संज्ञा दी, वो कौन सी है नदी के द्वारा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का ये जो, इसको आपको ध्यान रखना है, एक हिंदू नदी और हिंदुस्तान जो है वो ईरानियों के द्वारा कहा गया। और जैसे हम आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम भारत, इंडिया
हिंदुस्तान, ये इस नाम से अभी हम जानते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, दो पॉइंट ऊपर के हटा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जो भारत की आकृति है वो क्या है? चतुष्कोणीय है। इसको आपको ध्यान रखना कि भारत की आकृति कैसी है, वो कौन सी है? चतुष्कोणीय है। और ये दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको आप नोट करें फटाफट। भारत का जो, इसमें हम कह सकते हैं भारत का जो स्थान है विश्व में वो कौन सा है? सातवां है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं भारत का स्थान विश्व में वो कौन सा स्थान है? सातवां। विश्व में सातवां स्थान है। अब वो सातवें स्थान कौन है वो हम जरा देखेंगे इसको एक बार। आप इसको नोट करें, नोट कर लिया? मैं अब ये जितने भी हैं कंट्री वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट करिए, मैं हट जाता हूँ। शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो। ये है सिक्स कंट्री, वो कौन सी हैं? सबसे पहला है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और सिक्स है ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ हमारा भारत। इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है हमारा, ये सेवेंथ हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा भारत। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको नोट करो फटाफट। शायद आपने नोट कर लिया होगा, नोट करिए, हटा रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत का संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल (2.4%) यानी प्रतिशत, संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42%। नेक्स्ट, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से (16.7%) है। इसको आपको ध्यान रखना है,
जनसंख्या की दृष्टि से कितना है 16.7 और 2.42% क्या है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल इसकी दृष्टि से, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बत्तीस 14 किलोमीटर है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पूरब से पश्चिम का विस्तार किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत की स्थल सीमा लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत की जल स्थल सीमा से लगे देश, इसके मैं नाम लिख दे रहा हूँ, बांग्लादेश। सेकंड इसको बांग्लादेश सेकंड है हमारा, म्यांमार और थर्ड है हमारा पाकिस्तान, थर्ड है हमारा पाकिस्तान और ये हो गया हमारा बांग्लादेश म्यांमार पाकिस्तान। इसको नोट करिए आप, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखेंगे हम बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको नोट करिए आप लोग। अब आपको इसको ध्यान कैसे रखना है, ये दक्षिणी बिंदु और ये इंदिरा पॉइंट, तो बिंदु को क्या कहते हैं पॉइंट, दोनों में सेम टू सेम है, इंदिरा इंदिरा दोनों में सेम है, ये हो गया
बिंदु, तो बिंदु क्या होता है? पॉइंट। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि बिंदु में कौन सा आएगा? पॉइंट। नेक्स्ट आ गया उत्तरी, तो उत्तरी में आपको कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर में, यानी किसी का उत्तर देते हैं तो क्या करते हैं? कॉल। तो आपको ध्यान रखना है कॉल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैं अभी लिखता हूं। भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है जो 27 अप्रैल 1914 को शिमला में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है वह डुरंड रेखा कहलाती है।